ओके स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस क्लासेस, पीछे क्लासेस में हम लोगों ने डील करा था डिग्री एंड इट्स कंपैरिजन, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बिना मीनिंग को, मतलब विदाउट चेंजिंग मीनिंग, कैसे हम लोग एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम लोगों ने मतलब बैक क्लासेस में इसको डील करा था। ठीक है, आज क्या करें, हम लोग नए टॉपिक पे चलते हैं, हम लोग नए टॉपिक को टच करते हैं। हम लोग आज मैं आप लोग को डील कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे सबसे पहले सेंटेंस प्लस उसके बाद वीडियो इज चेकिंग सर। ओके वेट, तो टुडे हम लोग को आज स्टडी करना है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सेंटेंस को किस तरीके से सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स रूप में कन्वर्ट करेंगे। ऑल आर रेडी टू स्टडी सेंटेंस विद मी, सब रेडी हैं? आज हम लोग सेंटेंस को स्टडी करें या डिग्री, डिग्री ऑफ कॉम्प्रिजन को, तो डिग्री ऑफ कॉम्प्रिजन मुझे नहीं लगता वीडियो इज चेकिंग, सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके बेस्ट, इसको डील करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं थोड़े से बैकग्राउंड इसको पहले तैयार करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यू नो व्हाट इज जनरेट अ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा है कि सेंटेंस की बात करोगे तो पहले तो लेटर के बारे में आप लोग जानते हो, ए टू जेड टोटल 26 लेटर्स, जिसमें से आपने देखा कि 5 वोवेल्स और उसके बाद टोटल 21 जो है उसको हम लोग कॉन्सोनेंट के रूप में काउंट करते हैं। इसके बाद से लेटर्स के बाद आपने वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया होगा, इसको आपने जूनियर मतलब और पहले डिस्कस कर लिया होगा कि जैसे में बहुत सारे लेटर्स को मिला के अगर परफेक्ट मीनिंगफुल वर्ड्स को हम लोग तैयार करते हैं। इसके बाद हम लोग को सेंटेंस की बात करना, तो ध्यान देना है यहाँ पे हमें सेंटेंस की बात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको शॉर्ट ही लोग समझ सकते हैं क्या इसकी, इट इज A group of words. सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। It is a group of words which makes कॉम्बिनेशन है और उसके बाद वो एक मीनिंगफुल सेंस को भी जेनरेट करता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने बोला बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के सेंटेंसेस के डेफिनेशन बोल देंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर सेंटेंस, जबकि अगर यहां पर देखो अगर मैंने यहां पे कर दिया सचिन, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, सचिन ए इज बॉय स्मार्ट, जब किसी को सेकंड पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो देखो यहां पे क्या लिख रहा हूं, सचिन इज अ स्मार्ट बॉय। तो देखो इसमें भी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें भी वर्ड्स का, देखो यहां पे ये आपका क्या है, ये नाउन है, ये आपका आर्टिकल है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका कॉमन नाउन है और ये आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इस पे भी मौजूद है, पर कंडीशंस क्या है, कंडीशन है कि ये जो हमने सेंटेंस, ये जो डेकोरेशन किया सेंटेंस, वर्ड का डेकोरेशन किया, इससे एक परफेक्ट मीनिंग निकल रहा है और इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो इससे ये सेंटेंस हम करेंगे कि आपका सेंटेंस से कि सचिन जो है वास्तव में एक स्मार्ट लड़का, जो है सचिन एक स्मार्ट लड़का है। तो ये आपने क्या चीज की, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ डेकोरेटेड मैनर which create catches a meaningful sense, it's called catch sentence, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा, लेकिन हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों ने बोला कि हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलेंगे, ज्यादा इधर फंडामेंटल पॉइंट्स की तरफ डिस्कस ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चल रहे हैं। स्टार्टिंग देखना है, इसके बाद इसमें कोई एसोसिएशन वगैरह इस करेंगे, फोकस कीजिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले अगर हम लोग सेंटेंस के पॉइंट्स की बात करें, इनके टाइप की बात करें,
तो ये तो आपने देखा इसके डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव के बाद इंट्रोगेटिव इंपरेटिव ऑपरेटिव और एक्सप्लेनेटरी ये सेंटेंसेस काइंड्स हैं लेकिन मैंने आपको बताया कि हम लोग वी विल डिस्कस ओनली अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग केवल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे ठीक है तो इन दैट केस सेंटेंस को हम लोग तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं फोकस कीजिएगा फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस सेकेंड हम लोग देख सकते हैं कंपाउंड एंड थर्ड स्टूडेंट हम लोग को वर्कआउट करना है कॉम्प्लेक्स के ऊपर फोकस करेंगे हम लोग केवल कॉम्प्लेक्स के ऊपर ठीक है सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स हम लोग को डिस्कस फर्स्ट इन तीन फॉर्मेट के ऊपर करना है इन तीन फॉर्मेट के ऊपर करना है ठीक है तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन की बात करो देखो स्टूडेंट सिंपल किसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस जिसमें आपका एक सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा और आपका ऑब्जेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस जैसे मैं सपोज करो मैंने कर दिया कि ही इज स्मार्ट इसमें एक सब्जेक्ट है और दूसरा ये तुम्हारा प्रेडिकेट है तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इसमें एक मौजूद है समझ लो कि वो तुम्हारा सिंपल सेंटेंस हो गया कंपाउंड की बात करेंगे तो फोकस करना है कंपाउंड में क्या करता है कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर आपके एक सेंटेंस में मौजूद है तो इसे हम लोग कंपाउंड कहेंगे ठीक है अब हम लोग क्लॉज की बात कर लेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है लेकिन पहले जो पॉइंट है बताओ उसको लेकिन और कॉम्प्लेक्स की मैंने बात की तो कॉम्प्लेक्स में बोलते हैं कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा डीसी का मतलब डिपेंडेंट क्लॉज और सेकंड आपका इसमें होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड सिंपल कंपाउंड में मैंने बताया कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वाया कनेक्टर्स तो इसे हम लोग कंपाउंड बोलेंगे और कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया कि इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा तुम्हारा इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद रहेगा डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद रहेगा ठीक है अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते कि आईसी और डीसी क्या है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते उसके बाद हम लोग एक कदम और आगे बढ़ेंगे देखो स्टूडेंट पॉइंट सिंपल से मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले आपने देखा होगा क्या जिसकी फ्रेज के बारे में आपने पढ़ा होगा फ्रेज जिसमें अगर सब्जेक्ट मौजूद है तो वर्ब नहीं और अगर वर्ब मौजूद है तो उसमें आपका सब्जेक्ट कोई नहीं होगा ठीक है मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा ठीक है जैसे मैं सपोज करो मैं बोल दिया कि स्मार्ट बॉय मतलब ये फ्रेज का मतलब क्या होता है कि इनकम्प्लीट मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है मैंने बता दिया कि स्मार्ट हुआ एक स्मार्ट लड़का फ्रेस्ट तो ये बताओ कि स्मार्ट हुआ क्या ये सेंटेंस हुआ इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस क्या इसको सेंटेंस कहेंगे स्मार्ट बॉय यस और नो आर यू गेटिंग एवरीवन मैंने आपको बताया कि ए स्मार्ट बॉय क्या ये सेंटेंस है आपका यस कि नो नो ओके ओके नो ठीक है ये सेंटेंस तो मैंने बताया ग्रुप ऑफ वर्ड इसका सिंपल सा डिफिनेशन तुम फ्रेज का निकाल सकते हो क्या जिसके अ ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड ही है ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज नॉट ध्यान देना व्हिच डज नॉट मेक तो फ्रेज का मतलब आपने देखा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड इसमें भी मौजूद है तो मैं देखो यहाँ पे ये आपका क्या डिटरमाइनर है ये आपका क्या है ये एडजेक्टिव है और ये आपका क्या है नाउन है तो ये तीन तरह के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट भी है लेकिन फिर भी ये सेंटेंस नहीं बना रहा ये सेंटेंस आपका नहीं हुआ तो फ्रेज किसको बोलते हैं तो फ्रेज का मतलब उसमें बहुत सारे वर्ड्स रह सकते वर्ड्स होंगे नो डाउट लेकिन उससे कोई सेंटेंस मतलब कोई मीनिंगफुल फ्रेज आपका नहीं निकलेगा उसे आप लोग फ्रेज कहेंगे राइट कॉर्नर में नहीं दिख रहा है
राइट राइट कॉर्नर में नहीं दिख रहे हैं जी मैम। सेकेंड स्टूडेंट देखो यहाँ पे आप क्रॉस किया, मैंने मतलब फ्रेज, फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, मतलब जो सेंस ही ना बनाए, वर्ड्स हैं लेकिन फिर भी वो सेंटेंस नहीं बनाएगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग क्लॉज की बात करें, देखा फोकस कर लेगा यहाँ पे क्लॉज, तो क्लॉज में आप लोग कि जिसमें सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का एग्रीमेंट होता है, ध्यान देना सब्जेक्ट और प्लस वर्ब जिसमें दोनों में मौजूद हो, मतलब वो ग्रुप ऑफ सेंटेंस जिसमें वर्ड सब्जेक्ट भी है और प्लस वर्ब भी है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे क्लॉज। तो इसका डेफिनेशन हम लोग निकाल सकते हैं क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes, focus करना आप लोग के बाद, which makes a complete sense, which makes a complete sense, मतलब group जैसे मैं छोटे पे क्या पढ़ने गया था, a smart boy था, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या था कि a smart boy, ठीक है? इसके पहले मैंने लगा दिया कि he is a smart boy, अब ये बोलो, अब ये sentence complete हुआ कि नहीं हुआ? He is a smart boy. अब ये sentence complete हुआ? Yes कि no? Yes sir. क्यों? Because इसमें आपने कि ये subject भी मौजूद हो गया और ये is जो है वो helping verb मतलब verb, तो subject plus verb का agreement हो गया। तो जिसमें subject और verb दोनों हो समझ लो कि क्या बने, क्या पता कि group of words which make a complete sentence. अब a group of words which do not which does not make a sense. जो sense नहीं बनाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे phrase, और जो sense तैयार करते हैं उसे हम लोग बोलेंगे clause. कोई दिक्कत है क्या? Phrase and clause, any problem? I'm just telling you, मैं बता रहा हूँ। पहले मैं आपको phrase and clause की बात कर रहा हूँ। Phrase and clause में कोई difference, कोई problem? Phrase का मतलब group of words। छोटा बच्चे लिए example ले लो। इस room में, इसको मैं serious करता हूँ। अच्छा आप कुछ, अब आप लोग बताओ मेरे को एक एग्जांपल, मैं पूछ रहा हूँ कि फ्रेज कौन है क्लॉज कौन है, इसके बाद हम लोग क्लॉज के सेकंड पॉइंट की तरफ चलेंगे, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, हमें ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी आपका फंडामेंटल पॉइंट हो गया। अब देखो स्टूडेंट, अगर छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर मैंने बताया a beautiful monument, और यहाँ पे मैं बता दूँ कि ताज महल, अब देखो फर्स्ट आपने देखा सेकंड, फर्स्ट में मैंने बताया कि a beautiful monument कर दिया, सेकंड में मैंने बताया कि ताज महल is a beautiful monument, ये बताओ कि इसमें फ्रेज कौन है क्लॉज कौन है, फर्स्ट जो ये क्या है फ्रेज एंड क्लॉज है, फर्स्ट आपका अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट फ्रेज और क्लॉज, ओके एंड द स्टिक, क्यों? बिकॉज आपको क्या कहते हैं कि इसमें केवल आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट का प्लस वर्ब जब पूरी तरीके से गायब है, कॉम्बिनेशन ही नहीं है, सब्जेक्ट का वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, लेकिन सेकंड में आपने क्या देखा था ताजमहल जो ये सब्जेक्ट है और प्लस ये इज जो है ये आपका यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट हो गया, तो जहां पे सब्जेक्ट का वर्ब मौजूद है समझ लो कि वो तुम्हारा सेंटेंस है, इससे कंप्लीट सेंस निकल रहा है। फ्रेज का मतलब मैंने बताया, रौनक ध्यान दीजिएगा, फ्रेज का मतलब मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज नॉट मेक अ सेंस, मतलब कि शब्दों का समूह, जैसे मैंने देखा यहाँ पे इसमें तीन तरह के अलग अलग वर्ड्स मौजूद है, ये अलग अलग वर्ड्स मौजूद है, इसमें ये मैंने बताया कि ये आर्टिकल है, ये मैंने बताया कि ये एडजेक्टिव है, ये मैंने बताया कि ये आपका नाउन है, तो ये तीन अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलके भी सेंटेंस नहीं बना पा रहा है, जिससे शब्दों के समूह जिससे सेंटेंस नहीं बनता, जिससे कोई भी सेंस नहीं बनता, उसे हम लोग फ्रेज कहेंगे, और जिससे आपका कंप्लीट सेंस निकल जाए उसे हम लोग क्लॉज कहेंगे। कोई दिक्कत रौनक? तो ये है फ्रेज एंड क्लॉज। अब हम चलते हैं मेन हमारा जो टारगेट है क्लॉज, बिकॉज़ हमको सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स को टारगेट करके आगे बढ़ना है, ठीक है?
तो हम सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को टारगेट करके आगे बढ़ेंगे, तो हमें फेज नहीं हमें क्लॉज के ऊपर डिस्कस करना है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था डीसी और आईसी डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, फोकस कीजिएगा। ध्यान दे रहे स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्लॉज की, ठीक है। क्लॉज में आपको मैंने बता दिया कि इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट होगा, ठीक है, ध्यान देना, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद है, सब्जेक्ट वर्ब दोनों मौजूद है, समझ लगना कि वो आपका क्लॉज है, ठीक है। अब इसको भी दो तरीके से आपने डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई करा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डीसी, डीसी का मतलब डिपेंडेंट क्लॉज, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये नहीं समझोगे तो आपका सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स समझ में नहीं आएगा, बाउंस कर जाएगा। फिर से एक बार, अगर आप ये क्लॉज नहीं समझिएगा तो आपका सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जब ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे तो आप फिर फंस जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको फोकस करके इसमें जितने क्वेश्चन पूछे आप पूछ सकते हो। तो डिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा मैंने बताया कि आईसी, आईसी का मतलब मैंने बताया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ध्यान देना, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है फोकस करना। तो डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस, ये है इनकम्प्लीट सेंटेंस, मतलब सेंटेंसेस मतलब ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज नॉट क्रिएट क्या चीज अ परफेक्ट अ कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस को तैयार ना करे उसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब हो रहा है ये कंप्लीट सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा ये कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग छोटा एग्जांपल देखो, अगर मैंने यहां पे करा इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि इफ इट रेन्स, ध्यान देना इफ इट रेन्स, अब देखो इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट भी है और ये आपका वर्ब भी है, तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन जहां पे होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जिसको जिसमें होगा उसको हम लोग क्लॉज कहेंगे, तो मतलब ये क्लॉज है, देखा, ध्यान देना, मैंने बताया इट रेन्स, इफ इट रेन्स तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये क्लॉज है, लेकिन इसका मीनिंग क्या क्या निकल रहा है, ध्यान देना, मीनिंग क्या है, अगर बारिश होती है, क्या सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है क्या, इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस, अगर मैंने ये सेंटेंस को लिखा, मैंने बोला इसका हिंदी में निकाल लो, तो कंडीशन क्या करेगा, अगर बारिश होती है, तो अगर बारिश होती है के बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो फिर होगा क्या चीज, मतलब इसको एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है, एक हेल्पिंग सेंटेंस की जरूरत है, जब तक उसको हम नहीं देंगे ये सेंस ऑलरेडी पूरा नहीं होगा, गेट इट, यस नो, ओके, all are getting, yes sir, sir, yes sir, okay, मैं सबको board दिख रहा ना, clear, yes sir, देखो student, मैंने आपको बता, फिर समझो एक बार, मैंने बता dependent clause मतलब incomplete sentence का मतलब जिसमें subject plus verb का agreement है, subject भी है verb भी है लेकिन फिर भी उससे complete sentence पूरा नहीं हो पा रहा, उसको अधूरा है, वो incomplete है, उसे पूरा करने के लिए आपको किसी दूसरे सेंटेंस की मदद लेनी पड़ेगी, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, डीसी, जो मैंने उस साइड आपको क्लॉज में वो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स में लिखवाया था, वो आगे हम लोग फिर एक बार डिस्कस करेंगे। सेकंड है देखो यहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट का मतलब मैंने बोला कंप्लीट सेंटेंस, मतलब वो सेंटेंस जो ऑलरेडी अपने आप में कंप्लीट हो, कंप्लीट हो का मतलब छोटा भाई आपको देखो, अगर मैंने बोला I will not go to a school. मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ध्यान देना, I will not, इसमें देखो ये सब्जेक्ट है, इस साइड यहाँ पर वर्ब है, इसमें भी आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब ये भी आपका क्लॉज है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, लेकिन इसको देखो I will not go to a school, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्या ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है कि कम्प्लीट, आपको क्या लगता है, I will not go to a school, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कम्प्लीट और इनकम्प्लीट, ये सेंटेंस कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, बोलो, स्पीक से, कंप्लीट, ये कंप्लीट है,
तो जब कंप्लीट सेंटेंस हो गया ये तो इसको क्या बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब ये ऑलरेडी आपका क्या ये आईसी इंडिपेंडेंट क्लॉज में ही आएगा। और देखो दूसरा, अब अगर इन दोनों सेंटेंस को मैं आपस में जोड़ दूं एड कर दूं तब देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये अब बन गया क्या कंप्लीट सेंटेंस आपका डिपेंडेंट और आईसी को मिला के। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू, अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो आपने कह रहा कि ये इंडिपेंडेंट डीसी और आईसी को मिला के जो परफेक्ट सेंटेंस का निर्माण करते हैं वो सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस दोनों है ध्यान देना, लेकिन दूसरे अंतर क्या है, एक आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस है दूसरा कंप्लीट सेंटेंस है। डीसी का मतलब डिपेंडेंट क्लॉज, आईसी का मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज। डीसी का मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस, आईसी का मतलब कंप्लीट सेंटेंस। दूसरा एक और पॉइंट समझ लो, ये डिपेंडेंट क्लॉज जो है ध्यान देना, ये डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा तुम्हारा कनेक्टर मतलब किसी कंजंक्शन से स्टार्ट होगा। जैसे ये इफ से स्टार्ट हो जाए या वेन से स्टार्ट हो जाए, ध्यान देना कभी भी इफ या वेन से सेंटेंस ये जो भी डिपेंडेंट क्लॉज है वो इफ या वेन से स्टार्ट होते हैं। तो इफ या वेन से स्टार्ट हो रहा तो समझ लो कि वो तुम्हारा डीसी है, और जो नहीं हो रहा वो समझ लो कि तुम्हारा आईसी है। एनी प्रॉब्लम, समझ में आया? कैन वी गो फॉरवर्ड, आगे बढ़े? कर दीजिए। यस सर। यस सर। एनी कंफ्यूजन? आपको डीसी और आईसी में कोई प्रॉब्लम? डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज में कोई डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम? नो सर। आर यू फीलिंग एनी डिफिकल्टीज टू गेट इट? नो सर। एवरीवन, से एवरीवन, एनी कंफ्यूजन? एनीवन? बिकॉज इसके बाद जो सेंटेंस में जाओगे तो फिर इसमें प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम आगे चल के बहुत ज्यादा फिर से मेरे को बैक आना पड़ेगा। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझने में? नो सर। ओके, कैन वी गो फॉरवर्ड, आगे बढ़े? यस सर। ओके 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 ओके। तो ये स्टूडेंट फोकस करना डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज, मैं फिर से बता रहा हूँ कि डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इफ या व्हेन से स्टार्ट होगा, कनेक्टर से स्टार्ट होगा, और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब कंप्लीट से कंप्लीट रहेगा। ओके, लेट्स गो, एक तरफ आगे बढ़ कर लो। अब मैं इसके बाद आपको अपने सेंटेंस अपने मेन टॉपिक पे लेके आऊंगा जहां पर हम लोग आना था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। वो तो पहले बोलना चाहिए था ना, आई वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट, आपको बोलना चाहिए था। ये प्रॉब्लम हो जा रहा है, देखो अभी क्या हो रहा है। चलिए रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा नेक्स्ट टाइम, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम अब स्टूडेंट्स हम लोग अपने मेन टारगेट पे चल रहे हैं, फोकस कीजिएगा। मैंने आपको फिर से बताया, दो दिमाग में रखना, डीसी आईसी। डीसी का मतलब डिपेंडेंट क्लॉज, आईसी का मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज दिमाग में रखोगे तो ये सेंटेंस आपके इंटरव्यू में बनेंगे। तो चलते हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, ध्यान देना ये सेंटेंस। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चल रहे हैं क्लास 8। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है अब, ठीक है ना? यस सर। ओके ओके ओके, ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे। ये है सिंपल सेंटेंस, ये है स्टूडेंट्स कंपाउंड, और ये थोड़ा आपका हो गया कॉम्प्लेक्स। फोकस करना कॉम्प्लेक्स। मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट का दूसरा प्रेडिकेट होगा, काम खत्म हो गया सेंटेंस सिंपल। कंपाउंड में स्टूडेंट मैंने आपको बताया क्या, इसमें दो आईसी होगा। आईसी मतलब अभी मैंने बताया क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, इसीलिए मैंने आपको बैक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में बताया कि दो आईसी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे तो समझ लेना कि उसको हम लोग को कंपाउंड कहना है। थर्ड कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट मैंने बताया कि यहाँ पे देखो एक डीसी होगा मतलब डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा तुम्हारा आईसी होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। फोकस करिएगा फिर से एक बार, डीसी आईसी में कोई कंफ्यूजन
स्टूडेंट यहाँ पे एक और मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि देखो ये डीसी, ये डीसी जो है डीसी किससे स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा इफ या वेन से, ध्यान देना इफ या वेन से स्टार्ट होगा, ये मैंने बताया था आपको। प्लस ये डीसी जो है वो हमेशा किस टेंस में आएगा, तो ये सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 का प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रहेगा। और इसी में ये जो आईसी होगा कि आईसी किससे टेंस फॉर्म में रहेगा, तो सब्जेक्ट प्लस विल या सैड। एक और मैं इजी कर दे रहा हूं आपको, ये इसको मैं और भी इजी कर रहा हूं। ये आईसी जो किस फॉर्मेट में रहेगा, सब्जेक्ट प्लस will set V1 plus object, ये इस फॉर्मेट में रहेगा। ये और भी ज्यादा स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया आपको, ठीक है। अब चलो हम लोग बात करते हैं कि सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, फिर कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, कंपाउंड से हम लोग सिंपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट देता हूं, ध्यान देना। सर सिंपल के नीचे नहीं दिख रहा है, सिंपल के नीचे नहीं लिखते, सिंपल के नीचे तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। अब देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान देना सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, ध्यान देना। व्हाट विद ऑनेस्टी to get success, to get success, ध्यान देना ये सेंटेंस क्या करा रहा है। वर्क विद, ये है आपका क्या चीज, ये है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव तो जानते हो ना कि सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट एटसेट्रा, मतलब वैसे सेंटेंस जिसके मदद से हम लोग कहते हैं स्टैंड अप, सिट डाउन, गेट आउट, मतलब वैसे सेंटेंस जिसके मदद से आप ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट, इन सबको एक्सप्रेस करके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंपरेटिव। तो यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है कि वर्क विद ऑनेस्टी, सफलता पानी है तो ईमानदारी से काम करो। तो ये क्या है, ये इंपरेटिव, ये सिंगल सेंटेंस है आपका, ये क्या है, ये सिंपल है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो सिंपल सेंटेंस है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स में बदल दीजिए आप, चेंज करो, ध्यान दे रहा। अब मैंने बताया कि इस सिंपल को मैं क्या करूंगा, इसको पहले कंपाउंड में बदलो। फोकस करिएगा स्टूडेंट आप लोग इसको। अब देखो कंपाउंड में बदलने के लिए देखो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से क्या किया है, सिंपल में एक सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, कंपाउंड में मैंने बोला कि दो आईसी, आईसी का मतलब मैंने क्या बोला था, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, कंप्लीट सेंटेंस। तो दो कंप्लीट सेंटेंस अगर एक साथ आते हैं अटैच टूगेदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर तो उसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। तो इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस को मेरे को जो एक सेंटेंस है इसको मेरे को डबल सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट करना है। अब वो भी दो ऐसे सेंटेंस के रूप में कर रहा है कन्वर्ट कि दोनों के दोनों कंप्लीट सेंस तैयार कर रहे हो, मतलब दोनों अपने आप में कंप्लीट हो, दोनों के दोनों आईसी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। तो चलते देखते कहां पे ब्रेक कर सकते, पहले हमको ये देखना कहां पे ब्रेक किया जाए। तो वर्क विद ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम करो, ये एक सेंटेंस हो जाएगा टू गेट सक्सेस, सफलता पाने के लिए। तो हम लोग यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, ये जगह है, दो अलग अलग सेंटेंस है जहां पे जुड़ रहा है टू के थ्रू, टू यहाँ पे करेक्टर का काम कर रहा है, तो ये टू को हटा के हम लोग यही से ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों को आईसी, मतलब इसको भी मुझे आईसी में बदलना है और इसको भी आईसी में बदलना है, चलो बदलते हैं, करें हम लोग पहले इस सेंटेंस को। तो इसको हम लोग कंप्लीट सेंटेंस के ऑलरेडी जो पाया था, वर्क वर्क विद ऑनेस्टी, देखो यहां पे वर्क विद ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम करो, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये आईसी है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, मतलब ये आईसी एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब इसको टू गेट सक्सेस को, अब इसको भी कंप्लीट ही बदलना है, तो क्या करेंगे, कॉमा देंगे यहां पे, यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। देखो यहां पे ये भी आपका क्या है, ये भी आईसी, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये आईसी और ये आईसी मिला दोगे तो तुम्हारा क्या बन गया, कंपाउंड नहीं बना, वर्क विद ऑनेस्टी, ईमानदारी से मदद करो, यू विल गेट सक्सेस, तुमको सफलता मिलेगी। तो ये दो, मतलब एक सेंटेंस को ब्रेक करके मैंने इसको दो अलग अलग फॉर्मेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया। आर यू गेटिंग, यस नो,
इसके एक दो एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल्स और हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में बदल लेते हैं, बिकॉज बार बार ईडीएस करने की जरूरत ही ना पड़े। अब इसको मैं कॉम्प्लेक्स के रूप में भी देख लो, फोकस करना है स्टूडेंट्स। तो कॉम्प्लेक्स में आपने क्या देखा, देखो यहाँ पे इफ मैंने बोला डीसी, दूसरे को बोला आईसी, दिखाई दे रहा है कहां पे? ओके, यहां देखो ये एक डीसी दूसरा आईसी, सबको दिख रहा है। मतलब कॉम्प्लेक्स में मेरे को बदलना है तो एक को डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब एक को कंप्लीट सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट करना, तो दूसरे को कंप्लीट सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हम लोग इसको चलते हैं, किसको क्या करना है देख रहे हैं। यस सर, पर क्या बनाए सब, वेट सर आते हैं वो, तो मैं बोलता हूँ उनको। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने बताया कि वॉक विद ऑनेस्टी यू विल गेट सक्सेस। ये जो दो आईसी हैं इसमें से एक देखो यहाँ पे, ये भी आईसी है और ये भी आईसी है, और कॉम्प्लेक्स में बनाने का तरीका है कि एक आईसी रहेगा, दूसरे आईसी को डीसी के रूप में कन्वर्ट कर दो। मतलब एक आईसी रहेगा, दोनों में से एक आईसी को छोड़ दो और एक आईसी को डीसी के रूप में कन्वर्ट करो। ध्यान देना, पॉइंट समझिएगा। तो ये देखो ये वाला आईसी ऑलरेडी है, तो इसको छोड़ देते हम लोग, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स में भी एक मेरे को इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए ही चाहिए, तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए, तो छोड़ दो इसको। हम लोग बात करते हैं पहले वाले की तरह, तो पहले वाले को डीसी में बदलना है, तो इस आईसी को मेरे को डीसी में बदलना है, तो डीसी ने इसको बदलना है, तो इसके लिए देखो डीसी में बदलने के लिए हमेशा आपको इफ या व्हेन से स्टार्ट करना है, ठीक है। इफ या व्हेन से स्टार्ट करना है, दिमाग में रखना। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए, शिवम सर जो बोल रहे हैं सर मुझे को होस्ट बनाइए, चलो ओके ओके। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्या बताया कि इसको मेरे को क्या करना है, डीसी में बदलना, तो डीसी में बदलने के लिए मुझे इफ या व्हेन से स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान देना। कर दे हम लोग इसको इफ, चलो ठीक है इफ। अब क्या करना है, इफ से स्टार्ट कर दिया हम लोग, डीसी को ये स्ट्रक्चर आपको देना है, इसको ध्यान देना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या, ये तो क्लियर है कि इसका भी सब्जेक्ट यू ही आएगा। तो इफ यू, अब क्या करेंगे वर्ब, वर्ब क्या वर्ब, इफ यू वर्क हार्ड, if you work for a work with honesty, if you work with honesty, if you work with honesty, देखो यहाँ पे बन गया ये sentence, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, क्या होगा गया ना, incomplete sentence हो गया ना, ध्यान देना ये sentence incomplete हो गया, कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो फिर क्या होगा, मतलब इसको एक हेल्पिंग सेंटेंस की जरूरत है, मतलब ये ऑटोमेटिक डीसी के रूप में कन्वर्ट हो गया, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और दूसरा क्या होगा, यू विल गेट सक्सेस, तब तुमको क्या मिलेगा, तुमको सफलता मिलेगी, यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क विद ऑनेस्टी, यू विल गेट सक्सेस, अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे, अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे तो तुमको सफलता निश्चित है कि मिलेगी। तो ये पहला एग्जाम्पल है आप लोग का, ठीक है। एग्जाम्पल एक दो हम लोग और देखेंगे, उसके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। क्या कैन वी एक्सप्लेन, क्या हम लोग आगे पढ़े, कैन वी गो फॉरवर्ड स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। गेटिंग, सबको समझ में आ रहा है? ओके ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग चलते हैं, बिकॉज एग्जांपल्स आर बेटर देन एक्सपेरिमेंट्स। ज्यादा एक्सपेरिमेंट स्पीच को देने पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि दो चार पांच एग्जांपल ही रख के हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं, फोकस करना। तो फिर एक बार हम लोग चलेंगे सेंटेंस की तरफ, इतना छोटा बोर्ड है। कॉम्प्लेक्स में मैंने क्या बताया, एक डीसी दूसरा आईसी, डीसी किससे स्टार्ट होगा, इफ या व्हेन से, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं यही पर लिख दे रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वी वन या फिर फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये डीसी का देगा, और आईसी का मतलब इसके पास जोड़ना है, तो सब्जेक्ट प्लस
गुलशन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा आईसी हो गया। अब एक और एग्जांपल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फोकस कीजिएगा, एग्जांपल्स और चलते हैं। एक और एग्जांपल है सिंपल, ध्यान देना, हेल्प द पुअर, टू गेट इंटरनल पीस। देखो यहां पे सेंटेंस क्या कर रहा है कि गरीबों की मदद करो, गरीबों की आपको मदद करनी चाहिए इंटरनल पीस, मतलब अंदर से शांति के लिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सिंपल में हो गया आपको कि हेल्प द पुअर टू गेट इंटरनल पीस। अगर वास्तव में अंदर से आपको शांति चाहिए तो आप गरीबों की मदद करें, जरूरतमंदों की, नीडेड पीपल जो उनकी मदद करें। तो ये सिंपल को देखो, मेरे को बदलना है कंपाउंड में, तो कोई एनीवन, चलो कंपाउंड कौन, कोई इसको चेंज करने की कोशिश करेगा, एनीवन विल ट्राई, पुअर हेल्प द पुअर, टेक्स्ट करके करो, टेक्स्ट करके करो, टेक्स्ट करो, यहाँ पे टाइप करो, आपकी आवाज मुझ तक क्लियर नहीं आ रही है। एनीवन हु विल ट्राई टू कन्वर्ट इट दिस सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड, कोई कंपाउंड में इसको कन्वर्ट करेगा, टू फास्ट ट्राई करो, ये तो आपने सिंपल में ही रख लिया, अनीश आपने सिंपल में ही रख दिया, केवल कॉमा लगा दिया टू के पहले, तो कॉमा लगाने पर तुम्हारा सेंटेंस थोड़ा बदल जाएगा, सेंटेंस गलत एरर में चला जाएगा। और कोई एनीवन विल ट्राई, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट अली अपार, ओके वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे समीर देखो आपने क्या कर दिया है, आपने इसको कॉम्प्लेक्स में बदल दिया, ओके सही है, आपका भी सही है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट करेक्ट कर रहे हैं, ओके यू विल गेट इट, वेरी गुड, आपका भी सही, आशुतोष का भी सही है, परफेक्ट। एनीवन एल्स, अंशुल हेल्प द पुअर यू विल गेट, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ओहो पहले ही अटेम्प्ट में आप लोगों ने दिमाग के अंदर सेट कर लिया, ओह वेरी गुड एक्सीलेंट। तो देखो स्टूडेंट बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग का, नो डाउट। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करा, बहुत सिंपल सा काम कर दिया है, हमने क्या किया, मैंने बोला कि इस सेंटेंस को मेरे को कंपाउंड में जब बताना, देखो जिसको समझ में आएगा तो बेस्ट है, नहीं समझ में तो फिर इस सेंटेंस को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे कि इसको कंपाउंड में बदलने के पहले आपको दो आईसी, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज की तलाश है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब इस सेंटेंस को मुझे दो सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक कहां से करेंगे, यहां से ब्रेक करो, ठीक है, ब्रेक करो, बना दो यहां पे, पहले इसको हम लोग इंपरेटिव में बनाते हैं, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो भाई, हेल्प द पुअर कॉमा, तो एक सेंटेंस हो गया, ये एक आईसी हो गया आपका, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, हेल्प द पुअर गरीबों की मदद करो, तो फिर आप क्या होगा आपके पास, आपके पास क्या होगा, यू विल गेट, वेरी गुड, यू विल गेट इंटरनल पीस, ये दूसरा आईसी हो गया, आपको अंदर से संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी। तो ये दो आईसी मिल गए तो ये क्या बन गया आपको, कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, इजी है, इट्स वेरी इजी। अब चलिए इसको हम लोग लेके चलते थोड़ा सा एक कदम आगे, हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, बोलो तो कन्वर्ट करो कॉम्प्लेक्स में, टू फास्ट, अब इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो, डू 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 फास्ट, डू फास्ट, कॉम्प्लेक्स, वेरी गुड अनीश, परफेक्ट, वेरी गुड एक्सीलेंट, आलोक, वेरी गुड आलोक का भी सही है, अनीश भी करेक्ट, नेक्स्ट एनीवन एल्स, अली अब्बास, परफेक्ट आपका भी सही है, पीस सही है, सही, वेरी गुड, नेक्स्ट समीर, वेरी गुड एक्सीलेंट आपका भी सही है, नेक्स्ट एनीवन एल्स, और कोई, आशुतोष गलत हो गया, आशुतोष का मिस्टेक हो गया,
आशुतोष स्ट्रॉन्ग एरर है, चेक करो फिर से एक बार। सर अभी तो आए थे वो, अच्छा एक सेकंड रुकिए। शिवम सर को होस्ट बनाना है। मैं हूँ, रहने भी नहीं बनाना है, छोड़िए ना उनको। नहीं बनाना, रहने दीजिए रहने दीजिए। सर राकेश बोल रहे हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम स्टूडेंटों ने करेक्शन किया, वेरी गुड। कैन यू हैव द बॉय, यू विल गेट। ओके सही है, परफेक्ट परफेक्ट सही है, परफेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंटों ने करा व्हेन यू, और बहुत लोगों ने इफ यू, दोनों के दोनों करेक्ट होंगे। If you help the poor, अगर आप गरीबों की मदद करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, अगर आप गरीबों की मदद करते हैं, मतलब ये sentence incomplete है, तो फिर होगा क्या? आगे 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 question पूछ रहा है ये sentence कि आगे फिर क्या होगा? तो आगे क्या होगा? तो आगे होगा कि you will get अब हम लोग चलते, देखो कॉम्प्लेक्स में अगर कोई सेंटेंस हो तो उसको कंपाउंड और सिंपल के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम लोग फोकस करना, आपको इतना याद रखना है कि चाहे कोई भी हो, कॉम्प्लेक्स नहीं हो, उसको सिंपल कंपाउंड में बदलना, तो इस तरीके से। चलो मैं एक एग्जांपल देके अब आपको आगे ले चलता हूं। दिमाग में बस आपको ये रहना चाहिए कि डीसी क्या है, आईसी क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या, मेन क्लॉज क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या। अगर एक सेमी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करता हूं, एक कॉम्प्लेक्स मिले चलिए, more than 95% marks in your exam. अब देखो, एक complex एक sentence में लिख दिया कि if you study with honesty, अगर आप ईमानदारी से study करते हैं तो क्या होगा? तो you will score more than 95% in your exam. तो आप अपने exam में 95 plus कर सकते हैं। अब देखो student, इसको compound और simple में बदलना है। Okay? Do it easily. कौन इसको बनाएगा? Too fast. इसको सबसे पहले काम करो, इसको complex में मत लो, complex में है, पहले compound में मत लो। Too fast. Compound बदलो पहले इसको। Are you getting? समझ में आप लोग आ रहा है या फिर मैं इसको workout करके बताऊं आप लोगों को? ट्राई करो, ट्राई योर बेस्ट। ओहो, तुम तो फिर सिंपल, तुम आपने क्या रखा? अली अब्बास, आपने तो कॉम्प्लेक्स नहीं कर लिया है, वेन पाटा के तुमने इफ लगा दिया जी, तो इफ लगाया तो फिर वो भी तो कॉम्प्लेक्स ही है। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि कंपाउंड में बदलने के लिए दो आईसी चाहिए, मतलब दो इनकम्प्लीट, दो फॉर इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब दो कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, ये दो कंप्लीट सेंटेंस चाहिए मुझको, ध्यान देना, दोनों कंप्लीट सेंटेंस चाहिए मेरे को। एक्सीलेंट, परफेक्ट। अनीश सिंह, वेरी गुड।
First, very good, very good. Next, next one. Next, anyone? Any other student? Excellent. Asutosh, perfect. Asutosh bhi ekdam correct hai. Asutosh is also on the right track. Ekdam right track pe aapko ye aapko wo kar rahe lag rahe hai, move kar rahe hai. Laptop idhar nahi lag raha. Next one. Ali Abbas, you will get a board. Okay, Ali Abbas, is term mein aapne correct kar liya. Next, anyone? Okay. Okay. तो देखो यहाँ पे समझो यूएस ओके आलोक रंजन आपका भी करेक्ट है एकदम परफेक्ट है समीर में प्रॉब्लम है समीर इन योर सेंटेंस देयर इज सम एरर Which you have to correct. Anshul Sharma. Very good. सही है. Excellent. 15% लिखता भाई. देखो तो Anshul. Anshul कितना एग्जाम में स्कोर चाहिए देखो 15% लिखा दी तुमने. Study with honesty, you will get a score more than 15%. मैंने प्रभु 95 लिखा देखो यहाँ पे 95 कर आपको 15 में बदल दिया कन्वर्ट कर दिया तो वेरी गुड एक्सीलेंट आप लोगों ने किया देखो यहाँ पे स्टूडेंट कर रहा क्या है एकदम सिंपल सा पॉइंट देखो ध्यान देना ये कॉम्प्लेक्स का मतलब ये जो पहला सेंटेंस है ये मेरा डीसी है और ये जो सेकंड है ये सेकंड सेंटेंस जो है ध्यान देना ये मेरा क्या है आईसी है तो डीसी आईसी एक डीसी है दूसरा आईसी है ध्यान देना केवल एक डीसी है दूसरा आईसी है तो कंपाउंड का रूल क्या करता है कि दोनों आईसी मतलब एक आईसी उसको छोड़ दो जो डीसी है उसको आईसी में बदल ध्यान देना क्या मैं बता रहा फोकस कीजिएगा मैंने क्या किया कुछ नहीं किया सिंपल पॉइंट किया कि कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड बदलने के लिए एक ये जो आईसी है ये तो आईसी रहेगा छोड़ दो उसको ये जो डीसी है इस डीसी को भी आईसी में बदल दो तो आईसी में बदलने के लिए हम लोग क्या करना है इंपरेटिव सेंटेंस को लेकर चले जाओ सबसे ईजी है इस सेंटेंस को तुरंत इंपरेटिव में ट्रांसफर करो वो ऑटोमेटिक अपने आप क्या करेगा वो कंप्लीट सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग क्या कर देंगे इसको ये वेन इफ और वेन को हटा दो रिमूव कर दो तुम्हारा कंपाउंड बन गया क्या हो गया तुम्हारा स्टडी विद ऑनेस्टी कॉमा कर दिया आपने अब ये जो आईसी है इसमें यहाँ पे आपने लिख दिया करना यू विल गेट स्कोर मोर देन 95% इन योर एग्जाम तो ये हो गया क्या चीज तुम्हारा पहले क्या कहा डीसी को भी आईसी बताने दूसरे आईसी को आईसी में छोड़ दो बन गया तुम्हारा ये सेंटेंस अब एक काम करते हैं हम लोग ध्यान देना ये जो कंपाउंड है आप इसको सिंपल में बदल के देखो कोशिश करो सिंपल सिंपल में बदलो इस सेंटेंस पे लेके आओ इस स्ट्रक्चर पे लेके आओ ये सिंपल पे इस पे इस स्ट्रक्चर पे लेके जाइए डू फास्ट अब इन दो अलग अलग सेंटेंस को कंबाइन कर दो इसको ऐड कर दो कनेक्टेड कर दो एक दूसरे के साथ कैसे बाय यूजिंग टू टी और टू लगाना है परफेक्ट अली अब्बास 100% करेक्ट नेक्स्ट वन देखिए आप लोग का पंचुएशन मार्क का एरर जा रहा है कहीं स्मॉल लेटर कहीं कैपिटल लेटर आप लिख रहे हो मेरे को वो नहीं देख रहा हूं मैं ठीक है हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे देख रहे हैं देखो यहाँ पे समीर आपने बीच में कॉमा लगा दिया है ठीक है टू गेट ए स्कोर मोर देन देखो यहाँ पे गेट और स्कोर दोनों भर्ब है दोनों को एक साथ लाने की जरूरत नहीं है गेट पटाइए वहां पे टू स्कोर डायरेक्ट करिए नेक्स्ट वन नेक्स्ट स्टूडेंट क्योंकि टू के बाद कोई एक ही वर्ब आपको रखना है तो गेट लगा दिया स्कोर भी साथ में लगा दिया प्रॉब्लम है नहीं आपने फिर इसमें दो सेंटेंस आपने ऐड कर दिया देखो यहाँ पे अनिश
मैंने बोला सिंपल सेंटेंस, सिंपल का मतलब इसमें दो नहीं बस एक ही सेंटेंसेस आपके होंगे, एक सब्जेक्ट दूसरा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, काम खत्म, फिनिश। आपने दो तीन सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करा दीजिए तो ऑलरेडी एफ ए कंपाउंड में चला जाएगा आपका। कोई स्वाति, आपका एक भी आंसर नहीं आ रहा है, एनीवन? 16 सेंटेंस, एक्सीलेंट, परफेक्ट, परफेक्ट 95%। तो ये आपने देखो सिंपल सा मैंने क्या कर दिया, देखना फोकस करिएगा मैंने क्या करा, चलो ठीक है ये भी सही हो जाएगा, बट टू गेट 95% को करेंगे स्टार्टिंग में, आप उधर लास्ट में रखते हो तब जाके ये और भी ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। तो देखो इसको आपने क्या कर दिया, सिंपल सा पॉइंट कर दिया, क्या करा इसको सिंपल में करा, तो मैंने क्या किया स्टडी, विद ऑनेस्टी टू गेट या फिर टू स्कोर 95% इन योर एग्जाम। सिंपल सा आपने इसको ब्रेक कर लिया भैया, एग्जाम में 95 नहीं है तो आपको स्टडी या ईमानदारी से करनी पड़ेगी, इसमें कोई कंफर्ट नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज जो हम लोगों ने टॉपिक अभी तक जो डिस्कस करा, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, किसी को कहीं से कोई ट्रांसफॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में एनी प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट सिंपल इनटू कंपाउंड, कंपाउंड टू, नो सर इजी नहीं है। अक्षर, अक्षर प्रॉब्लम है? नो सर, चेंज करने में इजी है। इजी है ना? यस सर, रिपीट कर दीजिए। क्या सर? रिपीट कर दीजिए एक बार, फिर रिपीट कर दें। चलो ठीक है, वेरी गुड, ध्यान दे रहा आप स्टूडेंट। मैंने सबसे पहले आपको बताया, देखो यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग पॉइंट, जब काइंड्स की बात करो तो उसको आपने पढ़ा होगा, सिंपल कंपाउंड, सॉरी ये सिंपल, ये इंपरेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, वो सेंटेंसेस आपके अलग पॉइंट पे चले जाएंगे। लेकिन हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपने क्या देखा कि हमें सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पे केवल वर्क करना था, ठीक है? जिसमें आपने क्या देखा कि सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के डेफिनेशन से पहले हम लोगों ने फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में पढ़ा। फ्रेज में हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, जिसके ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज नॉट मेक एनी टाइप ऑफ सेंस, मतलब शब्दों के जो समूह होंगे लेकिन उससे कोई सेंटेंस नहीं बनेगा उसे हम लोग फ्रेज कहेंगे, और जो सेंटेंस बनाते हैं उसको हम लोग क्लॉज कहेंगे। फिर मैंने क्लॉज को भी दो भागों में ब्रेक कर दिया, जिसमें एक को डीसी करा, दूसरे को आईसी करा। डीसी का मतलब डिपेंडेंट क्लॉज और आईसी का मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब मैंने बोला इनकम्प्लीट सेंटेंस, और क्लॉज की बात की मैंने बताया कंप्लीट सेंटेंस। म्यूट करो अपने को, कंप्लीट सेंटेंस। तो यहाँ पे मैंने बताया कि सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के ट्रांसफॉर्मेशन की बात की मैंने, तो सिंपल में मैंने आपको क्या बताया कि सिंपल सेंटेंस में मैंने ये बताया कि एक सब्जेक्ट होगा दूसरा प्रेडिकेट होगा, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट होगा, तो समझ लो कि वो सिंपल है। कंपाउंड की बात की मैंने, दो आईसी मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब दो कंप्लीट सेंटेंस जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे इंडिपेंडेंट, मतलब उसे हम लोग क्या बोलेंगे कंपाउंड बोलेंगे। और कॉम्प्लेक्स की बात की मैंने, तो उसमें मैंने बताया कि डीसी रहेगा तो दूसरा तुम्हारा आईसी रहेगा। एक सेंटेंस देख रहा, मैं छोटा बच्चा देखते एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फोकस करिएगा। पहचानना तो थोड़ा सा देखना, तो पहचान करो। Now you will have to identify, you will have to recognize. आप इसको recognize करो कि ये sentence कौन सा है, simple है, compound है, complex है। देखो इसमें error correction आप किसी तरीके से निकालोगे, कैसे error correction हम लोग निकालेंगे focus करिएगा, ध्यान देना। ये मेरे को बताओ स्टूडेंट, ये सिंपल है कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है, ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, देखो तो आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो। कंपाउंड, कंपाउंड है। सिंपल, सिंपल। चलो वेरी गुड, सबने बोला कॉम्प्लेक्स है, चलो ये तो पहचान में आ गया। लेकिन आप इस सेंटेंस को गौर से देखो,
पूरी तरीके से इसके हर पॉइंट को फोकस करो। देखो तो इसमें कहीं आपको एरर मिलेगा, कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो मैंने मिस्टेक करा है उसको आपको करेक्ट करना है। देखो तो खोजो, सर्च करो कहाँ पे करेक्शन करना है, कहाँ पे मिस्टेक कहीं दिखाई दे रहा है इस सेंटेंस में, कहीं मिस्टेक एरर सर्च करो। एक्सीलेंट, अली अब्बास ने इस करेक्शन, इस एरर को पकड़ लिया, लेकिन आपने करेक्शन को पकड़ते हुए फिर करेक्शन में एरर कर दिया। नहीं है, आपने करेक्शन तो ठीक किया लेकिन उस करेक्शन में फिर एक छोटा सा एरर कर दिया, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत वेरी 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 गुड, एक्सीलेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, मैंने आपको देखो यहाँ पे डीसी और आईसी, आपने इसको देख लिया, ये डीसी है और ये दूसरा मेरा आईसी है। चलो ठीक है, डीसी आईसी कॉम्बिनेशन है, कैसे पता चला कि डीसी है, ध्यान देना डीसी कैसे रहेगा, तो ये इफ और व्हेन से स्टार्ट होगा तो समझ लो कि ये तुम्हारा डीसी है, और जब इफ व्हेन से स्टार्ट होगा तो ये सेंटेंस किस स्ट्रक्चर में जाएगा, ये स्ट्रक्चर में कोई सा क्या है, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है, इसके बाद ये वर्ब वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ये बिल लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रूल नहीं है, रूल कहते हैं कि बिल से यहां पे लगाना है आपको, तुरंत यहाँ पे बिल को क्या कर दिया, रिमूव किया, और कम में क्या करना है यहाँ पे एस लगा दिया, इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प यू, अगर वो यहाँ पे आता तो मैं उसकी मदद पक्का ही करूंगा। तो इसमें अगर कमांड होगा तो अच्छे खासे एरर करेक्शन पे भी आपको कंट्रोल होने लगता है, नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंस इसमें सेंटेंसेस गलत होते हैं उसको आपको करेक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए फॉर दैट यू विल हैव टू कमांड ओवर क्या चीज, सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो इसमें किसी को और कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, एनीवन कुछ प्रॉब्लम है तो समीर, क्या नहीं समझा आपने समीर, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, समीर 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 समीर, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, क्या नहीं समझ में आया आपको समीर, एरर ऑफ, देखो यहाँ पे एरर ऑफ बिल की मैं बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे छोटा एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे क्या था हे मेल कम हियर, ठीक है, ध्यान देना, मैंने आपको बताया देखो यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बना रहे हो तो उसमें डीसी आईसी करोगे तो कॉम्प्लेक्स का एक स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ये है कि जब एक तुम्हारा फ्यूचर में रहेगा, एक फ्यूचर सेंटेंस फ्यूचर टेंस में रहेगा तो दूसरा तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, एसपी में आ जाएगा, और कभी भी इफ और व्हेन से जब सेंटेंस कर रहे हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, दिमाग में इसको सेट करिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा वो, मतलब प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में वो रहेगा। तो यहाँ पे आपने ये मैंने कहा कि इफ से स्टार्ट किया तो इफ से स्टार्ट मतलब ये क्या, डीसी आपका किसमें रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ध्यान देना जो डीसी है ये डीसी हमेशा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला ये होता है, क्या क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वी1 या फिर वी2, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, ही कम एस लगा दो, ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम, और इस तरीके से सेंटेंस आपका बनेगा। समीर समीर कंफ्यूजन क्लियर, अच्छा why comes why not come, अब देखो इसके लिए तो तुम टेंस पड़ेगा तब जाके क्लियर होगा, लेकिन देखो मैं सिंपल में समझाने की कोशिश करूंगा तुमको, ठीक है, ध्यान देना, कम होगा कम्स क्यों नहीं होगा मैं ये तुमको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा फोकस कीजिएगा, अभी सबकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। देखो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इजी पॉइंट है जो आपने पूछा, ध्यान देना, कम क्यों कम्स सॉरी कम्स क्यों कम टू मी, आपने देखा जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि देखो यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसके साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, ध्यान देना सिंगुलर वर्ब लगाना है, दूसरी के नोट में इसको दिमाग में रख लेना, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना है, ये पॉइंट दिमाग में इसको रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये पॉइंट पता है
कि नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है. नाउन ऑलवेज स्टे इन सिंगुलर फॉर्म इन इट्स बेस फॉर्म. नाउन जब भी अपने बेस फॉर्म में रहेगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा. और इसमें एस और ईएस लगा के आप क्या करते हो इसका प्लूरल बनाते हो. ध्यान देना, जैसे सपोज करो ये पेन है, ये पेन क्या है नाउन है, ये सिंगुलर है. आपने एस लगाया तो क्या बन गया पेन, यहाँ पर क्या हो गया प्लूरल हो गया. लेकिन वर्ब का जस्ट अपोजिट पॉइंट है. वर्ब जो होता है वो हमेशा अपने बेस फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में होता है. वर्ब ऑलवेज स्टे इन प्लूरल फॉर्म. जब वर्ब अपने बेस फॉर्म में रहेगा तो समझ लो कि वो प्लूरल है. और अगर उसमें आप एस और ईएस लगाओगे तो वो तुम्हारा सिंगुलर वर्ब बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है. जैसे सपोज करो यहाँ पे देखो ई ए टी ए, ये इट क्या है भाई, इट अभी प्लूरल है. जैसे इसमें एस लगाओगे इट्स क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा तुम्हारा सिंगुलर. तो नाउन एंड वर्ब बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. इफ यू विल एड एस एंड ईएस, इफ यू एड एस एंड ईएस विद नाउन देन दोज नाउन्स विल टेक द फॉर्म ऑफ कैज प्लूरल. लेकिन अगर यही रिएक्शन आप वर्ब के साथ करा दो तो वर्ब विल टेक द फॉर्म ऑफ कैज सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा. तो आपको आपने क्या देखा कि ही जो है ही लगाया, हम लोगों ने क्या किया, सॉरी सिंगुलर वर्ब. हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या किया ये ही अकाउंट्स किया था. आपका क्वेश्चन है कि फॉर कम क्यों नहीं होगा. तो ये देखो यहाँ पे ही जो है ये ही क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है. समीर ही सिंगुलर है कि प्लूरल है, ही सिंगुलर प्रो सिंगुलर, वेरी गुड सिंगुलर है. ही आपका क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. चलो सॉन्ग सिंगुलर. तो अभी मैंने बता देखो यहाँ पे सिंगुलर शब्द के बाद वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा. मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होगा. ठीक है, सिंगुलर वर्ब होगा. तो आप बोलो कम क्यों नहीं आया, तो कम क्यों नहीं, तो कम ये क्या है यहाँ पे, मैंने बताया कि वर्ब में अगर एस और एस नहीं लगाओ तो ये तुम्हारा प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल वर्ब है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के पास अगर एस हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के पास जब प्लूरल वर्ब लगेगा क्या समझे, तो ये देखो सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, अब प्लूरल सब्जेक्ट इक्वल टू प्लूरल वर्ब. तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो गया तो वर्ब को भी सिंगुलर करना है. तो वर्ब को अगर सिंगुलर करना है तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये सिंगुलर वर्ब करना तो वर्ब में मेरे को क्या करना पड़ेगा, एस ऐड करना पड़ेगा. एस ऐड कर दिया आपने, तो एस ऐड कर दिया आपने तो ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, तो दोनों का एग्रीमेंट आपका मान के तैयार हो गया. सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल टू सिंगुलर वर्ब. तो ये आपका टेंस और सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट का पॉइंट है. जब हम लोग उसको डील करेंगे तब जाके क्लियरिफाई होगा. चलो समीर, हैव यू गॉट, समझ में आया कि नहीं कि आखिर कम्स क्यों आया, कम क्यों नहीं आया. क्योंकि अगर कम लिखोगे तो सिंगुलर और प्लूरल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म, एंड इफ योर सब्जेक्ट इज इन प्लूरल फॉर्म देन वर्ब मस्ट स्टे इन प्लूरल फॉर्म. और अगर कहीं सिंगुलर प्लूरल इधर उधर करोगे तो पूरी की पूरी तरीके आपका एरर एंड करेक्शन हो जाएंगे, फुल एरर, योर सेंटेंस विल बी फुल ऑफ एरर्स. Any question, students? Samir Anand, have you got? No, sir. समझ में आया बच्चे? Yes, sir. Okay, take a screenshot. ले लो. आप लोग एक एक पॉइंट हम लोग डील करेंगे, ठीक है? अभी तो दो तीन दिन तुमने क्लास ही किया. Yes, sir, Anand. कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. बी टुगेदर एंड ऑल कंफ्यूजन. तो आज के जो भी हमने क्लास हम लोगों ने करे उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम विच यू आर फीलिंग स्टिल नाउ, जो अभी तक आप लोग महसूस कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एनीवन. समीर की तरह कोई और स्टूडेंट जिसको कहीं कोई कंफ्यूजन हो? नो सर. नो सर, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट. ओके ओके, तो इसके क्वेश्चन आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन इसके सेंड किए जाएंगे, उसको आप लोग सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके उसको हम लोग चेकआउट कर लेंगे. तो कैन वी से गुड डे. Okay. Very good, excellent.
Have a great day. Have a nice day. Have a beautiful day.